checking last year जो traffic है वो है nomenclature complexes, complex compounds का nomenclature कैसे करेंगे, तो आज ये topic है. So stay with me. First of all, good evening everyone. क्या है evening या morning है? Good afternoon America में. तो इसके rules हैं कुछ, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है bit by bit करते जाते हैं और यही काम करना है. कोई जल्दी नहीं है, सबर से बैठ जाएंगे. तो जितने भी आपके डाउट्स हैं कोशिश करते हैं उन सबको क्लियर करने की, ठीक है ना. अच्छा, नामकरण में जो सबसे पहला रूल है कि जैसे हर कंपाउंड में ये होता है कि पहले नाम के टाइम का आता है, बाद में नाइन का आता है. तो कल मैंने आपको ऑलरेडी का करने का तरीका बताया था कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा. ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है. अगर पहले कुछ चीज है और देन कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, तो इधर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन है, क्योंकि पहले केटाइन है. इसमें केटाइन एनाइन अंदर ही है, इसके चार्ज क्या होगी? जीरो. इसमें केटाइन इधर है, एनाइन इधर है. तो अगर पहले कॉम्प्लेक्स आता है एक्स, बाद में जो है आपका एनाइन आता है, ठीक है, तो इधर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? केटाइन हो जाएगा. ये तो मेरे कहने का नहीं दिया, तो आपको याद हो रहा. क्या ये चीज आपको याद है? क्या रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, केटाइन है, एनाइन है? कर सकते हैं, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, उसके बाद देखिए, केटाइन इज नेम्ड बिफोर एन एनाइन. जैसे हर कंपाउंड में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कैल्शियम सल्फेट है तो इसमें जो केटाइन है वो कैल्शियम है, एनाइन जो है वो सल्फेट है. इसका नाम हम क्या लिखते हैं? पहले केटाइन का नाम लिखते हैं कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद हम एनाइन का नाम लिखेंगे सल्फेट. तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी आपके ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इनमें भी इसी तरह से पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे. तो नो हार्ड एंड सॉफ्ट पाथवे. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केटाइन कौन है? यहाँ पे केटाइन जो है, केटाइन कौन है? यहाँ पे केटाइन सिंपल है. सिंपल बोलेगा कौन है? पोटेशियम आयन, ठीक है. पर एनाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स. एनाइन क्या है? कॉम्प्लेक्स है. सही बात लिखी है मैंने? ये बात मैंने सही लिखी है गलत लिखी है? ये बात मैंने सही लिखी है कि गलत लिखी है? चाय में बिस्किट डुबो के खाने वाली कौम को सलाम. पहले क्या बोलते हो? दुबई एम्पायर बोलिए. कितने बिस्कर रहे खाते, क्या करते, ठीक है मैडम. तो पहले कुछ का नाम आएगा केटाइन का, हम लिखेंगे पोटेशियम. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि यहां पे ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं अगर तो एक दो तीन हो तो उसके लिए हम डायट्राइवर्ड यूज नहीं करते, यानी यहाँ पे हम ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे. वो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चल जाएगा कि पोटेशियम कितने होंगे, उसका नाम क्या होगा? पोटेशियम. उसके बाद जो है हेक्सा, सियानो, फिरे, फिरे. उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे. बताएं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अब लिगेंड के लिए छह, साइनाइड मोनोटेट्रल लिगेंड है तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? छह. तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो गया छह. अच्छा, उसके बाद इस एक पे माइनस वन चार, पोटेशियम पे एक पे प्लस वन होती है तीन, प्लस थ्री तो माइनस सिक्स. तो बताएं आयरन पे कितनी चार्ज होनी चाहिए?
आयरन पे कितनी चार्ज होनी चाहिए देख के बताएं, प्लस थ्री होगी, कितनी होगी प्लस थ्री, तो बताएं कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे एज अ होल चार्ज कितनी होनी चाहिए, इस स्पेयर ब्रैकेट के ऊपर कितनी चार्ज होनी चाहिए माइनस थ्री, तो ये प्लस थ्री ये माइनस थ्री। अब यहां से इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर से पोटेशियम का अंदाजा लग जाता है कि पोटेशियम कितने होंगे, इसी वजह से जब हम प्राय पोटेशियम नहीं लिखेंगे, हाँ जो लिग्नेट होंगे उनकी तादाद जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पहले हमने किसका नाम दिया कैटायन का, सिंपल बात करें तो उसको सेव करके फिर इसको मिटा दी और सफाई करें, तो पहले किसका नाम आएगा, पहले आएगा कैटायन का, कैटायन कौन है, कैटायन आपका इसमें है पोटेशियम, उसके बाद एनाइन कौन है, एनाइन आपका कॉम्प्लेक्स है, तो पहले पोटेशियम का नाम आएगा, ठीक है, फर्स्ट ये फर्स्टली देन सेकंडली ये, यहां तक कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहां पे क्या चीज है कि पहले, अब ये कैटेगरी है कि पहले कॉम्प्लेक्स आ रहा है बाद में एनाइन आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स यहां पे कैटाइन है तो पहले किसका नाम आएगा कैटाइन का, इसमें केटाइन कौन है कॉम्प्लेक्स और इसमें एनाइन कौन है सिंपल है, एनाइन आपका सिंपल है, तो यानी पहले जो नाम आएगा इसका आएगा, सेकेंडली नाम आएगा किसका सिंपल के एनाइन का नाम होगा, यहां तक कोई दिक्कत। तो अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें केटाइन और एनाइन है तो आप क्या करोगे कि केटाइन का नाम पहले लिखोगे, अगर केटाइन सिंपल है तो पहले उसका नाम, कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो बाद में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स पहले आता है यानी कॉम्प्लेक्स ही केटाइन है तो पहले उसका नाम लिखेंगे उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है यानी उसके अंदर ही एनाइन और केटाइन है या कोई भी एनाइन केटाइन नहीं जस्ट न्यूट्रल सबस्टेंस है, फिर आप नाम कैसे लिखेंगे, फिर देने के बाद क्या होगा, इन दिस केस अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, अगर तो न्यूट्रल है तो पहले नाम किसका आएगा, लिगेंड्स का, लिगेंड्स का इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, उसके बाद एक मे बी एड हो या नो, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में जो भी हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी हो रोमन लेटर में लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आखिर में एनाइन आता है, पर क्योंकि इसमें कोई केटा एनाइन है ही नहीं तो इसमें पहले लिगेंड का नाम आएगा, यहां तक क्लियर है। तो पहला हम ये था कि पहले जो नाम आता है वो केटाइन का, बाद में जो नाम आता है एनाइन का आता है, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो केटाइन और एनाइन उसी के अंदर है तो पहले लिगेंड का नाम, ठीक है, लिगेंड्स का नाम कैसे आएगा उसका रूल सिंपल है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो, अगर एक ही किस्म का लिगेंड है तो फिर अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, पर अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो फिर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ये पहले कोई पूछ चुके कि केटाइन का नाम पहले आएगा एनाइन से, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम इन इसमें, तो फिर दूसरे रूल पे चले, कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी प्रॉब्लम, जल्दी बता दे जाए जरा, नो, चलो मैं इसको आगे बढ़ा, रूलों पे पूछ क्या है, रूल नंबर टू ये कहता है कि जब आप लिगेंड्स को नाम दें तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, जो भी हो केटाइन, केटाइन का नाम पहले आएगा, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स केटाइन है तो पहले लिगेंड का नाम आएगा, क्योंकि वो पूरा कॉम्प्लेक्स यानी पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव चार्ज बिलोंग करता है उसका नाम पहले आएगा, तो सेकंड रूल ये कि लिगेंड के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर किससे पहले नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम से पहले नाम लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखिए जरा क्या सीन है कि ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अब एक तो इसमें वाटर मौजूद है दूसरा क्लोरीन मौजूद है, ठीक है, तो
तो इसमें अल्फा क्रिटिकल आर्डर फॉलो करेंगे। अब इसमें टू टाइप ऑफ लिगेंड्स है, टू टाइप ऑफ लिगेंड्स कौन कौन से बेटा? एक आपका जो है देखिए पुरानी बुक में और अभी तक केपी के भी यही है, पहले नेगेटिव लिगेंड का नेम आएगा, उसके बाद न्यूट्रल के टाइम बाद में यानी पहले नेगेटिव का आएगा, पर ऐसा नहीं है, नेम जो है वो अल्फा क्रिटिकल आर्डर में आएगा। तो एक वाटर है, पर वाटर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम एक्वा और एक्वो लिखते हैं, ठीक है? तो ए से आएगा लैटिन वर्ड है, एक्वा मींस वाटर ही है, पर हम वाटर नहीं लिखते, ठीक है? हम एक्वा वर्ड यूज करते हैं, जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम देंगे तो वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम एक्वा लिखते हैं या एक्वो लिखते हैं, मोस्टली एक्वो यूज होता है, प्लीज याद करें। तो दूसरा जो है क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है, तो इसको लिखेंगे क्लोरो, ठीक है? कितने क्लोरीन है? दो है, तो लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है? वाटर कितनी? चार, तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, यहां तक क्लियर? एक एक छोटी छोटी चीज क्लियर करते जाते हैं कि भाई दो टाइप के लिगेंड्स हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, दो थे, एक एक्वा था यानी वाटर, एक्वा मींस वाटर, और दूसरा था क्लोरो, ठीक है? तो क्लोरो जो है जो नेगेटिव लिगेंड होता है उसके नाम के पीछे ओ सफिक्स लगेगी, आगे रेगुलर उधर चलती है। तो यहाँ पे दो किस्म के लिगेंड थे, एक क्या था, एक एक्वा एफआर एक्वा, दूसरा सीफा किलोरो। तो पहले अल्फाबेटिकल आर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है? इसमें देखें यह आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है? यह आपका सेंट्रल मेंडलेटम, सेंट्रल मेंडलेटम हमेशा पहले लगता है, ठीक है? उसके बाद लिगेंड शुरू होते हैं, यहां से लेकर यहां तक लिगेंड से तीन किस्म के, एफआर मंडलो, एफआर नाइट्रो, सीफा किलोरो। तो तीन किस्म के लिगेंड है, थ्री टाइप्स अल्फाबेटिकली। पहले पहले किसका नाम आएगा? एफआर अमाइनो, जितने अमाइन हैं आगे नाम लिखेंगे, अमाइन कितने? चार, हम लिखेंगे टेट्रा अमाइनो, टेट्रा अमाइनो, ठीक है? उसके बाद सीपर किलोरो, एक किलोरी है तो किलोरो लिखेंगे खाली। उसके बाद कौन है? नाइट्रो, नाइट्रो का नंबर नहीं लिखा हुआ, एक सेकेंड, नाइट्रो कितने होने चाहिए? नहीं, एक ही होगा, तो एक के लिए ब्रेकेट देना जरूरी नहीं है, ठीक है? तो और क्या लिखेंगे? इन पर नाइट्रो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने नाम को फोकस करना है, ए पर अमाइन, ना कि आप ये टेट्रा को फोकस करें कि ई पर टेट्रा, नहीं, लिगेंड आपका अमाइनो है, टेट्रा मींस के चार अमाइनो, तो आप ई पर इसको फोकस नहीं करेंगे, टी आप लिगेंड के नेम को फोकस करेंगे। ये चीज क्लियर है? ये दोनों क्लियर है बेटा? जल्दी बताएं फिर आगे बढ़े। ये क्लियर था? बोलते जाए बोलते जाए। थर्ड का बताएं, थर्ड में ये तो क्या आपका सेंट्रल मेटलेटम क्रोमियम, एक हाइड्रोक्सी है, दूसरा एक्वा है, पहले नाम किसका आएगा? इसमें दो टाइप है, दो टाइप, पहले क्या आएगा था? टाइप करें ना, टाइप करें, पहले क्या आएगा इसमें? पहले एक्वा, कितने एक्वा है? तीन, हम लिखेंगे ट्राई एक्वा या ट्राई एक्वो, उसके बाद ट्राई, ट्राई हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो, नॉट ऑक्सी ऑक्सो, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव लिगेंड के नाम के पीछे ओ लगा है, ठीक है? आगे चल के रुक जाएगा, तो इस पेज में कोई दिक्कत मिला? एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं, ये सेकंड नंबर को ये कहता है कि अगर एक से ज्यादा किस्म के लिगेंड्स होंगे तो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो अल्फाबेटिकली ए पर एक को, सी पर क्लोरो, ए पर अमाइनो, सी पर क्लोरो, एन पर नाइट्रो, ए पर एक को। मैंने आपको अगेन बताया कि इधर ये जो ऑलरेडी हमने ट्राई डाई के नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, नेम ऑफ द लिगेंड एक को है और हाइड्रोक्सो है, तो नेम ऑफ द लिगेंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है बेटा? चलिए इसको बी सेव करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब रूल नंबर थ्री पे आते हैं, कि जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि व्हाटएवर
is present in the fiscal bracket. इस स्क्वायर ब्रैकेट को इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कहते हैं? इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जो पहले पहले आता है, ठीक है। बाद में आते हैं लिगेंड्स। अब लिगेंड एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप या वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें आती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। अब अगर इसको आपको नाम देना हो तो पहले किसका नाम आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? पहले आएगा लिगेंड्स का, ठीक है, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल आर्डर। फर्स्टली तो नेम आएगा लिगेंड का आएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा सेंट्रल मेटल एटम। ये कोई यही है, इसमें कोई दिक्कत? उसके बाद प्रैक्टिस पे आते हैं, एग्जांपल पे आते हैं। इसमें कोई दिक्कत के जब आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, यानी आप जब इसको जो है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप नेम देंगे तो पहले नेम आएगा किसका? पहले नेम किसका आएगा बेटा? लिगेंड का आएगा, बाद में सेंट्रल मेटल, ठीक है। और इस चीज को देखते हैं जरा। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या मौजूद है? एक कोबाल है और दूसरा अमाइन है, ठीक है। इसमें पहले नाम किसका आएगा? पहले नाम आएगा लिगेंड कौन है? अमाइन। तो पहले नाम आएगा लिगेंड्स का, उसके बाद नेम आएगा सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। तो लिगेंड कौन है बड़े? अमाइन। कितने अमाइन है? छह। तो हम लिखेंगे हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, ठीक है। ये लिगेंड का नाम पहले आ गया। उसके बाद आएगा, अब ये कॉम्प्लेक्स कैटायन में हम लिखेंगे कोबाल, कोबाल, कोबाल के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगाया गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कोई बताएगा? देखिए सल्फेट ग्रुप माइनस टू होता है, माइनस टू इंटू थ्री टोटल चार हो गए माइनस सिक्स, तो ये दो है तो प्लस सिक्स डिवाइडर बाय दो, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है प्लस थ्री है। अब देखिए अमाइनो न्यूट्रल है तो प्लस थ्री किस पे चार्ज होगी? कोबाल पे होगी। तो कोबाल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन लेटर में लिखेंगे पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में, तो कोबाल को आखिर में नाइन आएगा क्योंकि ये केटाइन का पहले नाम आया किसका? केटाइन का। बाद में नाम आएगा किसका? एनाइन का। एनाइन कौन है? सल्फेट। तो कोबाल थ्री सल्फेट लिखेंगे। इसका पूरा नाम होगा हेक्साअमाइन कोबाल थ्री सल्फेट, हेक्साअमाइन कोबाल थ्री सल्फेट। ये चार सब कहां से आ गए हमने दुखे ना लगाओ। इसमें कोई दिक्कत बना? इसको सेव करके एक नजर देखते हैं, इसमें कोई अनोखी चीज है बताएं, पूछ लें। पहली चीज यू विश टू आस्क, कोई चीज जो पूछना चाहे, फिर सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं। चले थोड़े बारह पानी का नहीं होता, बारह बारह पानी जी बेटा चले। चार्जेस के लिए बेटा आपके पास थोड़ी बेसिक होनी चाहिए, रेडिकल्स का आपको अगर आएगा तब आएगी ना, अगर नहीं आता तो फिर कहां से आएगी। चार्जेस के लिए आपको थोड़ी फाउंडेशन चाहिए, यानी आपको एक मैंने पेश नहीं जाना चाहिए, परसों आपको पता होना चाहिए सल्फेट ये है, फास्फेट माइनस थ्री होता है, नाइट्रेट माइनस वन होता है, ऑक्सीलेट माइनस वन होता है, कार्बोनेट माइनस टू होता है। जब तक आपको ये नहीं है तो पहले ना आपको कभी नहीं आ जा पाएंगे ना। एक चीज का आएगा तो उसी से दूसरे का मालूम होता है। अगर आपको एक का ही नहीं आता तो आप कैसे आ सकता है? नॉट पॉसिबल। तो दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका ये है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। कि लिगेंड का नाम पहले आएगा, लिगेंड इधर जो है ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक लिगेंड में क्या होता है कि वैसे अगर इनऑर्गेनिक लिगेंड है, ये रूल है आगे चल के सीखते हैं। इनऑर्गेनिक लिगेंड में अगर एक से ज्यादा नंबर है तो हम डाइवर्ट
यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं, कि कितनी नंबर में डुप्लीकेट मौजूद है। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है तो फिर नाम चेंज हो जाता है। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड है तो आगे चल के रूल है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ाते जाते हैं इस विषय को, कि आप गाय की जगह पर जो है बेस वर्ड यूज करेंगे, ट्राई की जगह आप क्रिस यूज करेंगे, टेट्रा किस, उसके बाद पेंटा किस वगैरह, ये पर ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए ये यूज होगा, इनऑर्गेनिक लिगेंड के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह ये यूज होगा। ये रूल है आगे पर इधर जब करते हैं तो इधर ये जो ई एन है, ई एन स्टैंड फॉर इथाइलीन डायमाइन, उसका फुल नाम है इथाइलीन डायमाइन। इथाइलीन डायमाइन कैसे होगा, ये अमाइनो में इथाइलीन यानी CH2, ये हो गया आपका इथाइलीन, ये डायमाइन। अब ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी अमाइनो ग्रुप पे या किसी भी और सब्सटेंस पे कोई चार्ज नहीं, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसके पास जो है वो मौजूद है क्या इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इथाइलीन डायमाइन मौजूद हैं, दो, तो मुझे बताएं इसमें इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, आपकी मर्जी है याद करें ना करें, अगर आपको लगता है कि आपको आगे यूजर होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगा, यहां पे लिखा है एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को आप कॉम्प्लेक्स जी कहेंगे और आप इसको एक चीलेट कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे कि चीलेट कहेंगे, चीलेट कहने के लिए कंडीशन होती है, क्या कहेंगे जल्दी बताएं, सुमित चीलेट, शुद्धा कॉम्प्लेक्स, मोमिना कॉम्प्लेक्स, जल्दी जल्दी जल्दी, और कोई क्या कहेंगे, बिल्कुल तो देख लें, इसको हम कहेंगे चीलेट कहेंगे, क्योंकि जब भी पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा ये लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कॉपर का सी क्या होगा, ये कॉपर, ये आपका अमाइन, उसके बाद ये इथाइलीन, दो ये अमाइन, तो रिंग स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी, ऐसे दो है, एक साइड पे भी अमाइनो ग्रुप होगा, अमाइनो ग्रुप होगा, उसके बाद CH2 और CH2, तो क्या इसको चिलेट कहेंगे या कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ये देख लेंगे बेटा, आपको दिखाई नहीं देता कि एक एरो दो एरो, दो पेयर देखा तो दो और दो चार हो गए, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, नया काम पढ़ी हो बेटा, इतनी सी बेसिक चीजें आपको नहीं आ रही तो कैसे पढ़ोगी, आप कॉलेज जाती हो कि नहीं जाती, नहीं कॉलेज का कभी मुंह देखा था, कहीं ना कॉलेज में पढ़ता ही कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत है, तो इसका नाम क्या होगा, ये तो चले सीखनी दिया लगता, अब आते हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कि पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले लिगेंड का नाम आएगा, क्या यूज करें डाई और बिस, क्या यूज करें डाई और बिस, ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बिस इथाइलीन डायमाइन, इसकी बात करें इथाइलीन डायमाइन, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये लिगेंड का नाम आ गया, अभी को कॉपर कॉपर, और ये सल्फेट अभी मैंने बताया -2 है, ये न्यूट्रल है, तो बताएं क्या होना चाहिए, कॉपर रोमन पेरेंथेसिस 2 सल्फेट, सही किया मैंने गलत किया, सही किया कि गलत किया है, सही किया है कि गलत किया है, सही कि गलत, थोड़ा टाइप जल्दी करेगा, सही किया है, मुझे गलत लग रहा है,
सही किया, चलिए इतने लोग कह रहे सही होगा। तो इसको देखिए जरा, ये पार्टिशन स्फीयर है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, दो किस्म के जो है लिगेंड्स मौजूद हैं। तो इसमें क्योंकि कोई भी आर्गन लिगेंड नहीं है, तो पहले नाम होगा वाटर का ट्राई एको, उसके बाद ट्राई आईपेक का रूल ये है, ठीक है, कि आप इनके दरमियान ना कोई गाना यूज करोगे ना कुछ और, कंटिन्यूअसली टिल द नेम आप स्पेस तब तक नहीं देंगे विदाउट स्पेस, जब तक सेंट्रल मिडल का नाम ना आ जाए, यानी जितने भी लिगेंड्स हैं उनका कंटिन्यूअस नेम विदाउट ब्रेक लगाते जाए, ठीक है। ट्राई एको ट्राई हाइड्रोक्सो, अब थोड़ा ब्रेक देंगे किसको, आयरन। अब देखिए ये न्यूट्रल है, ये माइनस वन है, तो बताएं मैं क्या लिख लू, आयरन थ्री लिखू या कुछ और, सही है। नीचे वाले का नाम क्या होगा, इसका आप खुद ही दे दें, ये नाइट्राइड और ये आपका न्यूट्रल है, बताएं क्या होना चाहिए, नीचे वाले का नाम खुद दें क्या होना चाहिए, थोड़ा जल्दी दें अगर कर सकते हैं तो, इथाजिन डायमाइन एन पर नाइट्राइड, पहले नाम रख जाएगा आर्गेनिक लिगेंड का, कितने थी क्या लिखेंगे, ट्रिस इथालिन डायमाइन ट्रिस इथालिन डायमाइन, उसके बाद ट्राई लिगेंड को आइडेंटिफाई करें कौन है, नाइट्रेट ग्रुप है तो नेगेटिव लिगेंड है तो नाइट्रेट प्रो हो जाएगा, नाइट्रेट ई देंगे को कर देंगे ट्राई नाइट्रेट प्रो, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, 3, ठीक है भाई। तो ये होगा इस तरह से, इसको सेव करते हैं, तो ये हो गया रूम नंबर 3 हो गया, रूम नंबर 4 क्या है, वो क्या है, ये था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये तुमने पूरा नाम लिखा, बल्कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद सेंट्रल मिडल एटम का नाम लिखोगे, ठीक है। रूल नंबर 4 ये है कि अगर आपके पास इनऑर्गेनिक लिगेंड है, सही बात की हमने, अगर आपके पास इनऑर्गेनिक लिगेंड है, अगर आपके पास इनऑर्गेनिक लिगेंड है तो आप क्या करोगे कि डाई टेट्रापॉड यूज करोगे, अगर आपके पास ऑर्गेनिक लिगेंड है, अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या यूज करोगे, डिस्प्लेस्ड टेट्रापॉड सब है, ठीक है। तो खाली लिगेंड के नाम का पूरा नाम है, इनके इधर लिगेंड कौन है नाइट्रो, तो क्या लिखोगे आप, हेक्सा नाइट्रो, सही है, थोड़ा नाम को बुला के, इधर दो किस्म के सॉरी लिगेंड एक ही है, कौन सा ऑर्गेनिक लिगेंड है, क्या लिखेंगे, ट्रिस इथालिन डायमाइन, सही है, बताएं यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, डायमाइन लिखेंगे, अमाइन नहीं, मैंने पहले शायद अमाइन लिखा था, अमाइन बोल, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत, कि अगर आपके पास इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं तो उसका नाम उसके जितने नंबर होंगे एक से अगर ज्यादा होंगे तो डाई टेट्रापॉड का यूज करेंगे, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है तो फिर आप क्या करोगे कि बिस ट्रिस वगैरह ये वर्ड यूज करेंगे, एनी प्रॉब्लम इन दिस, इसमें कोई प्रॉब्लम मिला है, इसमें कोई प्रॉब्लम, थोड़ा जल्दी टाइप किया करें ताकि मैं आगे बढ़ने में आसानी हो, नो ओके, थोड़ा जल्दी टाइप किया करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ने में आसानी हो। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव लिगेंड है तो आप उसके नाम के पीछे ओ सफिक्स लगाएंगे, तो हाइड्रोऑक्सी हाइड्रोऑक्सो हो जाएगा, क्लोराइड क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमाइड ब्रोमो हो जाएगा, अमाइड अमाइडो हो जाएगा, ठीक है, साइनाइड साइनाइडो हो जाएगा,
उसके बाद आपका सॉरी साइन हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका क्लोरीन क्लोरो या क्लोरीन क्लोरो ब्रोमीन ब्रोमो एंड आल्सो सल्फेट सल्फेट हो कार्बोनेट कार्बोनेट हो ऑक्सीलेट ऑक्सीलेट हो अमाइड अमाइड हो सल्फेट हो अगर एसीटेट है तो एसीटेट हो एसीटेट यानी सब नेगेटिव नेगेटिव के पीछे ओ लगे इसमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर आपके पास नेगेटिव लिगेंड है उसके नाम के पीछे ओ जुड़ेगा कोई परेशान आपकी फरमाइशी प्रोग्राम होगा बाद में आते हैं जब ये रूल्स पूरे हो गए तो संभाल के रखें फिर भेजना वैसे ही आपने लिखा है इसका नाम क्या होगा एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड नहीं हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट होगा इसका नाम जो आपने लिखा है ये ए ए ये थोड़ा फार्मेसी प्रोग्राम आखिर में रखें तो अच्छा होगा माइनस थ्री है असल में ये होता है इसका पूरा नाम है सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट कितनी चार्ज है तीन एल्यूमिनेट कितनी होगी प्लस थ्री ये प्लस वन इंटू थ्री माइनस थ्री इस पे माइनस वन ठीक है तो माइनस वन इस पे कितनी होगी प्लस थ्री तो प्लस थ्री प्लस थ्री माइनस सिक्स पूरी होगी ये इसका नाम होगा इसमें लिखे लिखे पहले केटाइन लिखते हैं लिगेंड का नाम तब आएगा अगर ये ना होता अगर ये ना होता हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखना है फिर लिगेंड का नाम पहले आता ठीक है थोड़ा रूल को मिक्स ना करें इसको मिटाते हैं रूल नंबर सिक्स कि अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है उसका नाम वैसा का वैसा रहता है उसमें कुछ चेंज नहीं आता हाँ कुछ एक्सेप्शन हैं कि हम वाटर न्यूट्रल है तो अमाइनो ग्रुप के लिए अमोनियम के लिए हम अमाइन पार्ट यूज करते हैं वाटर के लिए वेपो पार्ट यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनाइल यूज करते हैं नाइट्रोसाइल इसको नाइट्रोसाइल नहीं इसको नाइट्रोसाइल ग्रुप कहते हैं इसको ठीक है अच्छा अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड है पॉजिटिव लिगेंड कब हो सकता है जब वो बाइवेलेंट हो एक साइड पे उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव चार्ज लियो पर दूसरी साइड उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो आपका पॉजिटिव लिगेंड हो सकता है ये देखिए जैसे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन में एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है पर इस नाइट्रोजन के पास अभी बॉन्ड पेयर है देने के लिए तो इनके नाम के पीछे ईएम लगेगा तो हाइड्रोजन जो है ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे हमने क्या लगा दिया ईएम तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम अगर नाइट्रोसाइलियम नाइट्रोसाइल का नाइट्रोसाइलियम जो एक्स्ट्रा नाइट्रोसाइलियम उसके बाद अमोनियम अमोनिया ये क्या था अमोनिया ये अमोनियम एम साल ठीक है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं तो ये कुछ एक्सेप्शन है ये आप लोगों ने याद करने होंगे बाकी अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है उनके सिवा मेरे को कोई हमारे यूज में नहीं आता फिर भी अगर कोई है उसका नाम वैसा का वैसा रहेगा वो चेंज नहीं होगा ठीक है पर इसमें चेंज किसका है अमाइनो के लिए हम अमाइन लिखते हैं वाटर के लिए एक्वा लिखते हैं कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनाइल लिखते हैं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनाइल ही है ठीक है तो इस तरह से जो है हम ये यूज करते हैं तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ठीक है आई थिंक एंड यू सेंड हियर इसमें कोई दिक्कत मिला फिर आगे बढ़े इसमें कोई प्रॉब्लम ये याद करने आपको ये भी याद करने है ठीक है पर ये थोड़ा रूल का आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर नेगेटिव लिगेंड है वो लगाएंगे पॉजिटिव है ईएम लगाएंगे न्यूट्रल है कुछ नहीं करेंगे पर इनके स्पेशल नाम है वो याद करना ठीक है चलिए उसके बाद ये एट वाली कहानी आ गई अभी कि आप एट वर्ड कहां यूज करेंगे कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन हो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन हो ना न्यूट्रल हो ना केटाइन हो तो जब आपके पास एनाइन कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है
उसके इंग्लिश और लैटिन नेम के पीछे हम एक सफिक्स ऐड करेंगे, यानी अब आप इंग्लिश नेम आप आयरन यूज नहीं करेंगे, अब आप यूज करेंगे फिरे, प्लैटिनियम बन जाएगा प्लैटिने, सिल्वर बन जाएगा अर्जेंटीने, ठीक है, इस तरह कॉपर बन जाएगा कुप्रे। सो इस तरह से यानी हम क्या करेंगे कि उसका जो इंग्लिश नेम है वो नहीं, अगर उसका कोई लैटिन पॉसिबल नेम है उसके पीछे एड लगाएंगे, अगर उसका लैटिन नहीं है इंग्लिश ही है तो फिर उसके नेम के पीछे एड ही लगाएंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। तो इधर एग्जाम्पल है कुछ, ये सारे पहले क्या चीज है, कैटाइनेशन में कैटाइन कौन है, सिंपल पोटेशियम, कैटाइन कौन है, सिंपल सोडियम, कैटाइन कौन है भाई, सिंपल सोडियम। तो बाद में आपका एनाइन कौन है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, ये सब कॉम्प्लेक्स बनेंगे क्या है, एनाइन। तो एनाइन के कॉम्प्लेक्स में ये सिंगल मेटल एटम है, सिंपल मेटल एटम क्या है, आयरन, आयरन का नाम क्या होता है, फिर इधर आपके हम लोगे फिनेल, यहाँ पे इसका नाम होगा क्या होगा, फिनेल। पूरा नाम क्या है वो लिखते हैं इधर, ये निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम निकलेट हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसमें भी जिधर बेटा अब पूरा नाम देना है, पहले कैटाइन का नाम आएगा, कैटाइन कौन है, कैटाइन है आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का नाम पहले आता है क्या है, साइनाइड, साइनाइड एक नेगेटिव मैग्नेट, कितनी अच्छी है आप लिखोगे हेक्सा सयानो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन, ये बन जाएगा फिशेट, फिर अब यहां पे देखिए हमने एक सब्जेक्ट चूज किया, एट जो है लगाएंगे जब आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन हो, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लगाए, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, ठीक है। अब ये माइनस वन, ये प्लस वन इंटू फोर इज इक्वल टू प्लस फोर, बताएं आयरन पे चार्ज कितनी होगी, आयरन पे चार्ज कितनी होगी, आयरन पे चार्ज कितनी होगी, सही है वो। अच्छा नीचे है तो पहले क्या है, सोडियम, पहले नाम आएगा सोडियम का, सोडियम कैटाइन है, पहले कैटाइन का नाम, उसके बाद कोऑर्डिनेशन उसके है, चार साइनाइड है तो लिखेंगे टेट्रासाइनोन, टेट्रासाइनोन। उसके बाद क्या चीज है, निकल, निकल बन जाएगा निकल, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, प्लस वन इंटू टू इज इक्वल टू प्लस टू, माइनस वन इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, निकल पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, निकल पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए बेटा, निकल पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, टू, निकल टू हो जाएगा, ठीक है बेटा। रोमन लेटर में पहले जैसे इसका नाम क्या होना चाहिए, ये जो सवेरे वो पूछ रही थी मोनिका, तो पहले सोडियम है तो सोडियम का नाम पहले आएगा, सोडियम ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, सोडियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में फ्लोरीन का नाम, फ्लोरो सोडियम हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनियम, बताएं एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप एल्यूमिनियम का ग्रुप याद है वहां से भी बता सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ग्रुप क्या है, प्लस थ्री होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इस पेज में कोई दिक्कत, एक नंबर देख लें, इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब उसके पास दो डोनर ग्रुप होंगे, एक ऑलरेडी डोनेट करेगा तो उसके पास एक चार लगेगी, दूसरा बच्चा होना चाहिए तो वो पॉली भी हो सकता है, मोनो वाला अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दे चुका होगा तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पर नहीं बनाएगा, अगर कम से कम बाय होगा एक को देगा तो उसके पास एक चार लगेगी, दूसरा देने की उसके पास एबिलिटी है, दूसरा खड़ा हुआ है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा।
इसमें कोई मेरा प्रॉब्लम एनी प्रॉब्लम ओके चलिए आखिरी रूप पे आते हैं। कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स अगर तो एनाइन है तो फिर एक बार यूज करेंगे सेंट्रल वेंटिलेटर में, अगर केटाइन है या फिर आपके पास जो है एनाइन जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है तो उसका सेंट्रल वेंटिलेटर का जो नाम है लैटिन नेम है सॉरी इंग्लिश नेम जो है वो लैटिन रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। यानी अगर इसमें प्लैटिनियम है तो हम प्लैटिनेट नहीं इसको प्लैटिनियम ही लिखेंगे, प्लैटिनम लिखेंगे इसको, इसको कोबाल्ट लिखेंगे, इसको कोबाल्ट ए नहीं करेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे इसलिए न्यूट्रल है इसको निकल लिखेंगे। यानी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा, कॉम्प्लेक्स केटाइन है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल और केटाइन कॉम्प्लेक्स में नाम जो है वो रिटेन रहेगा, यानी इन केस ऑफ न्यूट्रल और केटाइन कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ सेंट्रल मेटलेटम इज रिटेन एज इट्स इंग्लिश नेम, जो भी इसका नाम है वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब इनके नाम अगर देने हो तो क्या करेंगे कि भाई पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ए फॉर अमाइनो, एन फॉर नाइट्रो, सी फॉर क्लोरो, तो बताएं पहले किसका नाम आएगा, ए फॉर अमाइनो का क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा, टेट्रा के बाद अमाइन विदाउट ब्रेक, क्लोरो एक है, सी फॉर क्लोरो, उसके बाद विदाउट ब्रेक नाइट्रो, एक ही नाइट्रो है तो नाइट्रो लिखेंगे, उसके बाद क्या है प्लैटिनियम, प्लैटिनियम ब्रेक ब्रेक लिखेंगे प्लैटिनम। अच्छा यहाँ पे मजेदार चीज है, सल्फेट का मैंने क्या बताया आपको, अब नाइट्रो नेगेटिव लिखे, क्लोरीन नेगेटिव लिखे, सल्फेट माइनस टू, प्लैटिनियम का कोऑर्डिनेशन सॉरी प्लैटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, प्लैटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताएं, टोटल नेगेटिव चार्जेस देखें बस, इसलिए अमाइनो जीरो ठीक है, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो प्लैटिनियम क्या होना चाहिए, प्लैटिनियम फोर, आखिर में एनायन का नाम आएगा सल्फेट, सल्फेट। यानी यहां तक पूरा जो है ये पूरा क्या था, ये केटाइन था, कॉम्प्लेक्स केटाइन था, तो कॉम्प्लेक्स आपका केटाइन था, ये जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में जो भी माल पड़ा हुआ था वो केटाइन था, उसका नाम पहले आया इना ही का नाम बाद में, ठीक है आए इस पे कॉम्प्लेक्स केटाइन है आपका तो पहले केटाइन का नाम आएगा, तो एक ही लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, इसको थोड़ा बड़ा करके जाहिर करते हैं, तो क्या होगा हेक्साअमाइन और कोई लिगेंड है ही नहीं, तो हेक्साअमाइन, उसके बाद क्या है कोई नहीं है, कोबाल्ट स्पेस लेके थोड़ा सा कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ये देखिए जीरो है ठीक है, कोबाल्ट कितने दो, सल्फेट कितने तीन, तो थ्री टू माइनस टू टोटल चार्ज माइनस सिक्स, अब इस पे प्लस सिक्स टोटल होनी चाहिए पर दो है डिवाइडेड बाय टू, एक को प्लस थ्री, प्लस थ्री की प्लस थ्री किस पे होगी कोबाल्ट, तो क्या लिखे कोबाल्ट थ्री सल्फेट, सही बेटा सही है, इसका नाम क्या होगा, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो अंदर क्या है आपका ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल है, तो कार्बोनाइल कितने कार्बोनाइल चार, इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनाइल, कोई नेगेटिव लिगेंड है ना कोई एनायन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा जीरो, ठीक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो, क्लियर इसको सेव करो, एक मिनट बाद देख लें अपनी लाइन में डालें फिर प्रैक्टिस करके, क्लियर डॉक्टर क्लियर है, क्लियर है कोई प्रॉब्लम जल्दी बताएं, ओके ओके चले इसको भी अब आते हैं प्रैक्टिस पे।
प्रैक्टिस में सबसे पहले ये बुक के दो चार एग्जांपल हैं। करें पहले का नाम क्या मानते हैं देख लीजिए, इसका नाम क्या होना चाहिए नंबर वन और ये नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। नंबर वन का नाम क्या होना चाहिए बेटा, पहले कॉम्प्लेक्स के टाइम है ठीक है, पहले नाम आएगा ए पर एक्रो सी पर किलो, तो वाटर कितने पांच, क्या लिखेंगे पेंटा एक्रो, पेंटा एक्रो, उसके बाद क्या है किलो, एक ही किलोरी है किलो, प्लैटिनियम थोड़ा बेटे गेट प्लैटिनियम, प्लैटिनियम भी लिखते हैं नियम भी लिखते हैं, ये थोड़ा फर्क है। और ये नाइट्रेट माइनस वन होता है ठीक है, क्लोरीन माइनस वन था, तो बताएं प्लैटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, प्लैटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर फोर, नाइट्रेट फोर, नाइट्रेट नंबर वन ठीक है। नंबर टू को देखिए क्या होना चाहिए, नंबर टू में देखिए अमाइन में क्रोमियम में और ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके जब चार्ज हो तो पीछे आयन लगाते हैं वर्ड ठीक है, तो क्या होगा टेट्रा अमाइन क्रोमियम थ्री, पीछे आयन लगा देंगे बस, क्लियर, पीछे आयन लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए नंबर थ्री का, नंबर थ्री भी है कि पोटेशियम केटाइन पहले है, पोटेशियम यहाँ पे केटाइन आपका कॉम्प्लेक्स था, इनाइन बाद में था, अब सिंपल केटाइन है कॉम्प्लेक्स इनाइन है, तो पहले पोटेशियम का नाम आएगा पोटेशियम ठीक है, उसके बाद टेट्रासाइन टेट्रासाइनो कॉपर, क्योंकि ये बन जाएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रेट क्यों बना क्योंकि कॉम्प्लेक्स इनाइन है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, दो इसने निकाल दिए तो दो कॉपर देगा तब प्लस फोर माइनस फोर होगा, तो फोर क्यूब प्लस फोर ठीक है। नंबर फोर को देखिए जरा, नंबर फोर का आप बताएं क्या होना चाहिए, सही है इसका क्या होना चाहिए नंबर फोर का, हेक्साफ्लोरो एलिमिनेट थ्री आयन, हेक्साफ्लोरो एलिमिनेट लाइक से किया आपने क्या होगा हेक्साफ्लोरो एलिमिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इनाइन है उसपे नेगेटिव चार्ज है, एलिमिनेट थ्री आयन, क्लियर है बेटा, स्टेज में कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी कोई क्वेश्चन है कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं फर्दर प्रैक्टिस की तरफ, एनी प्रॉब्लम, कौन से कॉपर वाला, हां कॉपर में क्या है टू 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 नाइन फोर ब्यूटेन टू, बिल्कुल टू आए बिल्कुल टू आए जी 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 ठीक है, इसको दोबारा सेट कर चलिए ना आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक, पहले इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे हैं, इसमें सेंट्रल मेटर एटम कौन सा है और कोऑर्डिनेशन नंबर इन सब के बताएं, उसका जाता हूं बता देता हूं
सेंट्रल वेंटिलेटर सोडियम या मैंगनीज, सोडियम या मैंगनीज, इसमें मैंगनीज। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5। अब साइनर कार्बोनाइल जो है ये मोनोडेटेड लिगेंड, कार्बोनाइल क्या है? मोनोडेटेड लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंट्रल वेंटिलेटर लिपिड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? -1 4। प्लैटिनियम 6। प्लैटिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। सही मुस्कान 6 होगा, कितना होगा? 6। कैसे 6 होगा? अब ये मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट मोनोडेंटेट, ठीक है। कितने हो गए? 4 × 4 5 × 6, ठीक है। प्लैटिनम इधर क्या होगा? आयरन और 5, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? नाम नाम के प्रैक्टिस करते हैं, नाम कैसे देंगे? चलिए भी इसको नाम दें। पहले ये कैटायन का नाम आएगा सोडियम, सोडियम हो गया। उसके बाद क्या है? पेंटा, पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हो गया। सोडियम प्लस 1 है, ये 0 है। तो बताएं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी बताएं। प्लस 1 माइनस 1 आर 0, प्लस 1 माइनस 1 आर 0। थोड़ा जल्दी बताएं। अगर माइनस 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेट हो जाएगा, मैग्नेट माइनस 1, सही है। इस तरह से होगा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 है, ये माइनस 1, ठीक है। तो नेट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे माइनस 1 होगा, ठीक है। अच्छा, नीचे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे लगाएंगे? ये देखिए सोडियम प्लस 1 इंटू 2, यानी प्लस 1 टोटल चार्ज है इसके, तो इसके टोटल चार्ज कितनी होनी चाहिए? माइनस 1। माइनस 2 कैसे होगी? देखिए माइनस 4 ये है, माइनस 1 इस पे है, ठीक है। प्लस 2 ये, तो इस पे कितनी होनी चाहिए? प्लस 2। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो माइनस 2 होगी, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। अब ये बताएं मुझे नाम क्या होगा? कि पहले सोडियम, ठीक है, सोडियम आ गया। उसके बाद टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो क्या होना चाहिए? निकल या निकले? निकले शू हो, निकले टू, सही है, सही है, निकले टू, सही। इसको क्या लिखेंगे भाई? इधर देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होगी? इधर चार्ज क्या होना चाहिए? -2 -4 -6 और +4। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होनी चाहिए बताएं अपनी तरफ से? क्या होनी चाहिए? देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज कितनी है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्लस 2 है, तो इस पे होगी -2। अब -2 कैसे भी है, देखिए +4 इस पे, -1 × 6 यानी -6 टोटल इस पे, इसका डिफरेंस आएगा -2, इसके ऊपर +2 का है। नाम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। उसके बाद हेक्साक्लोरो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो प्लैटिनेट, प्लैटिनेट 4 हो गया। नीचे चार्ज क्या होना चाहिए? अब देखिए बाहर -2 है, तो इसमें +2, +2 कैसे आए वो देखो। अब ये न्यूट्रल, ठीक है, ये -1, ये -1, ठीक है, ये -1 -1, इधर -2 है,
ठीक है, तो बताएं टोटल चार्ज माइनस फोर हो गई तो इस पर कितनी होनी चाहिए, प्लस फोर, तो प्लस फोर माइनस टू तो इस पर कितनी हो जाएगी प्लस टू, बाहर कितनी माइनस टू, नाम क्या होना चाहिए, चेता माइन विदाउट ग्रीन नाम लिखेंगे, चेता माइन क्लोरो नाइट्रो सी फार क्लोरो, उसके बाद एन फार नाइट्रो, उसके बाद क्या प्लैटिनम है, अब यहाँ पे प्लैटिनम एट का यहाँ पे प्लैटिनम है, प्लैटिनम ऑक्सीडेशन नंबर कितना, फोर, फोर सल्फेट, ये क्यों हुआ, ऊपर प्लैटिनम है यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है नाइन का, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है केटाइन, ठीक है सही है, इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, तो पेंटा कार्बन आयरन जीरो, पेंटा कार्बन आयरन जीरो, सही है, इसमें किसी भी डाउट है कुछ पूछना है पूछ ले, उसके बाद हम बढ़ते आगे, इसमें कुछ पूछना है पूछ ले, एनीथिंग यू विश टू आस्क, कुछ पूछना है, जल्दी बताएं, या फिजिक्स की होगी सर, आया नहीं आया, तो इसको मैं जो पूछता हूं उसका जवाब तो देते नहीं, अपनी क्वेश्चन बता दे, चले गए लास्ट पेज पे चलती है, ये देखिए दो केसीएस में जो है ये इंडिविजुअल में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, तो मैग्नेटो कहां से आया, मनीष मैग्नेटो कहां से आया, सेंट्रल डेटा के नाम में दो लगा के और अपने गेंद में रखता है, ये देखिए जो डाइक्रोमेट आयन है अगर इसको एसिड में डालेंगे तो ये ऑरेंज रेड में चेंज हो जाएगा, यानी अगर क्रोमेट आयन को आप डाइक्रोमेट में चेंज करना चाहते हैं तो आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, एसिड इसमें डालें, ये स्लोली ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, पर एसिडिक कंडीशन में इक्विलिब्रियम ज्यादा की तरफ का रेड साइड होगा, ठीक है, और फॉर द सेम रीजन अगर क्रोमेट आयन को आप बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, तो फिर ये ऑरेंज कलर जो है येलो में टर्न हो जाएगा, बेसिक कंडीशन में जो डायक्रोमेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट, ये दो मेन चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में पांच इलेक्ट्रॉन लेके प्लस टू में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे प्लस सेवन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक मीडियम में प्लस सेवन से प्लस टू होता है, और बेसिक मीडियम में जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू से ये कन्वर्ट होता है मेंबर डाइऑक्साइड में, यानी ये प्लस फोर के माइनस, तो इस बेसिक मीडियम में तीन इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, इसका एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर में आया क्योंकि अभी पीएमडीसी में नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि चलिए आपको ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है इस वजह से थोड़ा इसका हवाला दे दो, ठीक है, इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं, अगर कोई कुछ पूछना चाहे एक दो पेजेस ओपन है, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको ये दे देता हूँ, बस मुझे एक दो नाम करते, एक दो नाम करते नहीं, एक तो इसका नाम बताएं क्या होगा, इसका नाम बताएं, इसका नाम बताएं, दोनों के नाम बताएं, फिर देखते हैं इनका नाम बताएं, इनका नाम बताएं, क्लास वाइंड अप करें, अगर किसी को आता है टेट्रा को आयरन क्लोरेट, तीन क्लोरेट, क्लोरेट कहां से आया, क्लोराइड होता है, हल भाई कृष्णा टेट्रा, टेट्रा गोल्ड, गोल्ड कहां से आया, सोना, सोना सोना
अच्छा देखिए इसका नाम जो होगा ये जीरो ये माइनस वन इंटू थ्री इसका नाम होगा डेल्टा एको उसके बाद आयरन नॉट गोल्ड आयरन थ्री किलो डाल उसके बाद भाई इसका नाम क्या होगा अमोनियम पॉजिटिव पार्ट अमोनियम लिखे नहीं है ये कैटाइन है सिंपल कैटाइन ठीक है उसके बाद टेट्रा क्लोरो टेट्रा क्लोरो जिंक टू ये माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर ये आपका प्लस टू होगा ठीक है और ये आपका प्लस वन यानी प्लस टू प्लस टू प्लस टू और ये माइनस फोर ठीक है इसका नाम क्या होगा बेटा अच्छा ये तो सेम ही है सेम है इसका नाम क्या होना चाहिए इसका नाम होगा आपका एफ आर एको सी फार चिलो तो टेट्रा एको के बाद डाइक्लोरो के बाद क्रोमियम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री प्लस थ्री थ्री उसके बाद नाइट्राइड थ्री नाइट्राइड इसका नाम क्या होगा ये नाइट्रोसो ये साइनो ये आयरन क्या नाम होगा पोटेशियम एनफा नाइट्रोसो सीफा चैनो सीफा चैनो पेंटा साइनो पेंटा सैनो नाइट्रोसो इसको नाइट्रोसाइन भी कहते हैं नाइट्रोसाइन पे कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट क्या होगा फीरेट उसके बाद माइनस वन इंटू फाइव ये प्लस टू होगा टोटल ये प्लस वन थ्री नाइट्रोसाइन क्या होगा फीरेट इसको सेव करें अब पैकेज के लिए कुछ भेज दूंगा ठीक है ये पीडीएस का आपके काम का नहीं है खाली खाली चीज है तो मैं लिख के भर रहा हूं पीडीएस आपके काम का नहीं है जो चीज आपके काम की है वो आपको भेज दूंगा और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसके साथ ही आपकी जो इंटर की इंटर का पोर्शन है वो बिल्कुल पूरा हो गया तो कल हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगे ठीक है